Good morning, all of you. How are you, children? Today I will discuss about this lesson. About this lesson, creating program in QBasic. Class 7 में आज हम discuss करेंगे और ये जो है video का fourth part मैं पढ़ाऊंगा आज आपको. ठीक है, इसमें ये lesson पूरा हो जाएगा आज. इसे पढ़ते हैं, सभी बच्चे बुक ओपन करेंगे, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे. तो इसमें दे रखा है क्लास 7 में लेसन 2, इसमें दे रखा है इसमें पढ़ते हैं प्रोग्राम प्रॉम्प्ट्स फॉर टू वैल्यू टू बी एंटर्ड बाय द यूजर इन वेरिएबल ए एंड बी द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आर कंपेयर्ड एंड कंडीशन चेक्स फॉर ए दैट इफ इट इज greater than b if condition is true then it display the value of a greater value otherwise it display the value of b as greater value. program is prompt hai, do value hongi isme enter karenge user jo hai variable mein do value kya karega enter karega a and b. theek, uske baad tulna ki jayegi, condition check ki jayegi greater than, if yadi condition is true hai then display hoga value a as greater than. uske baad iteration in QBasic, iteration और repetition is another important part of programming. it is done rule loop construct of QBasic loop construct perform the repetition till associated condition remains true. you will study for nash and while when loop here. besides this you will read अबाउट एग्जिट स्टेटमेंट. ठीक, तो इसमें जो है इसमें कहा गया कि इटरेशन और रिपीटेशन इज अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग है. इट डन थ्रू लूप. लूप जो होता है प्रोग्राम को चेक करता है, उसकी कंडीशन को चेक करता है और तब तक चेक करता है जब तक सही और ट्रू या फॉल्स ना बता दे. ठीक, ये लूप होता है. ये लूप क्या करता है, कंडीशन चेक करता है. इसके बाद यू विल स्टडी, आप अध्ययन करेंगे कि फॉर नेस्ट एंड व्हाइल व्हेन लूप क्या है इस तरह से. तो उसके बाद रखा फॉर नेस्ट लूप. फॉर नेस्ट लूप इज यूज टू रिपीट एनी टास्क नंबर ऑफ टाइम्स. दिस लूप यूज ए वेरिएबल दैट इज इनिशियलाइज्ड बाय वैलिएंट रन्स द बॉडी ऑफ द लूप टिल नेस्ट स्टेटमेंट. द फाइनल वैल्यू इज ऑल्सो डिफाइंड इन स्टार्टिंग स्टेटमेंट ऑफ द लूप. द सिंटैक्स ऑफ फॉर नेस्ट लूप इज फॉलो. फॉर कंट्रोल वेरिएबल इनिशियल वैल्यू टू फाइनल वैल्यू. बॉडी ऑफ द लूप इज स्टेटमेंट. बॉडी ऑफ लूप स्टेटमेंट नेक्स्ट कंट्रोल वेरिएबल. ये देखा फॉर जो नेक्स्ट लूप है, इसमें देखा कि फॉर नेक्स्ट लूप इज यू रिपीट एनी टास्क. फॉर नेक्स्ट लूप में रिपीट किया था टास्क को, पारी को, नंबर ऑफ टाइम्स, कई नंबर मतलब कई टाइम्स. यह लूप जो यूज करता है वेरिएबल दैट इनिशियलाइज्ड वैल्यू एंड रन्स बॉडी ऑफ द लूप. वैल्यू को चेक करता है और नेक्स्ट पॉइंट पा जाता है. व्हाइल व्हेन लूप. व्हाइल व्हेन लूप में दे रखा है दिस इज द लूप विच इज कंटिन्यू टिल इट्स कंडीशन रिमेंस ट्रू एंड इट टर्मिनेट्स व्हेन द कंडीशन बिकम्स फॉल्स. इट इज मोर फ्लेक्सीबल फॉर गिविंग कंडीशन एज कम्पेयर फॉर नेक्स्ट लूप. इन व्हाइल व्हेन लूप कंडीशन इज डिफाइंड बाई रिलेशन ऑपरेटर. लूप वेरिएबल मस्ट बी इनिशियलाइज्ड बिफोर डिफाइनिंग द लूप एंड मॉडिफाई इट्स टाइम टू मेक इट फाइनाइट अदरवाइज इट विल बिकम्स इनफाइनाइट. द सिंटैक्स ऑफ व्हाइल व्हेन लूप इज फॉलो. लूप वेरिएबल इनिशियलाइज लेफ्ट ब्रैकेट राइट व्हाइल कंडीशन एक्सप्रेशन इज सिंटैक्स. एक तरह से स्टेटमेंट इन द लूप बॉडी लूप वेरिएबल स्टेटमेंट डिक्रीमेंटेड. ठीक, तो क्या इसमें कहा गया कि दिस इज द लूप. लूप विच कंटिन्यू, लूप जो कंटिन्यू करेगा कंडीशन रिमेन ट्रू. कंडीशन चेक करेगा कि जो भी प्रोग्राम आपने बनाया वो ट्रू सही है या नहीं गलत है. उसके बाद कंडीशन या फॉल्स कंडीशन जो है तुलना करेगा फॉर नेस्ट एंड व्हाइल व्हेन लूप से. रिलेशनल ऑपरेटर यूज करेंगे रिलेशनल में.
हैश, ठीक है, स्टार इस तरह से कुछ। उसके बाद ये मॉडिफाई करेगा लूप अगर कोई भी मिस्टेक होगी। उसके बाद इस तरह से मैथमेटिक्स में हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, इसी तरह सिंटैक्स यूज करते हैं। सिंटैक्स के अकॉर्डिंग कंडीशन को रखना होता है, ठीक। ये उसके बाद एग्जिट लूप, यू कैन एग्जिट फ्रॉम ए लूप यूजिंग एग्जिट स्टेटमेंट। दिस स्टेटमेंट इज यूज ओनली विद फॉर नेस्ट लूप, नॉट विद व्हाइल व्हेन लूप। इसमें कहा गया यू कैन एग्जिट, तुम एग्जिट कर सकते हो फ्रॉम ए एक लूप से यूजिंग एग्जिट स्टेटमेंट। दिस स्टेटमेंट इज यूज ओनली विद फॉर नेस्ट लूप, नॉट विद व्हाइल व्हेन लूप। इसमें कहा गया कि एग्जिट लूप जो है लूप होता है, एग्जिट स्टेटमेंट ये व्हाइल व्हेन नेस्ट व्हाइल व्हेन लूप नहीं है, ठीक। तो ये तो पूरा लेसन था क्रिएटिंग प्रोग्राम की बेसिक, यानी प्रोग्राम को बनाना होता था क्यू बेसिक में, ठीक। और जो उच्च लेवल पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें सॉफ्टवेयर वेबसाइट डेवलप किए जाते हैं, कुछ मोबाइल के एप्लीकेशन भी डेवलप किए जाते हैं। तो इस तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मैंने आपको बता दिया यहाँ पर, ये बेसिक था। तो आज के लिए इतना बच्चों, ये लेसन पूरा हो गया है, आगे फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक। और नोट्स भेज दिए जाएंगे, ठीक है, धन्यवाद।